हाँ जी बेटा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर और अप्रॉक्सीमेटली हमने काफ़ी हद तक पढ़ लिया है। वी आर डिस्कसिंग चैप्टर का नाम क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। फिजिकल क्वांटिटीज ही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। और लास्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग डेंसिटी, हम डेंसिटी पढ़ रहे थे। ये नज़र आ रहा था कैमरे में डेंसिटी, सबको पता है डेंसिटी क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। व्हाट इज डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। किसी चीज की डेंसिटी है सपोज 1400 केजी पर मीटर क्यूब, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब। व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है इसका? किसी चीज की डेंसिटी है 1400 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। What does it mean? बेटा आपको पता है इसका क्या मतलब है? 1400 kg per meter cube. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक मीटर क्यूब, ये देखो ये क्यूब है जिसकी ये साइड भी कितनी है 1 meter, ये साइड भी कितनी है 1 meter, और ये साइड भी कितनी है 1 meter। अगर इतने वॉल्यूम का आप ये मीडियम मटेरियल लोगे तो उसका मास कितना होगा? 1400 किलोग्राम। ये मतलब इस मटेरियल का जिसकी डेंसिटी 1400 केजी पर मीटर क्यूब है, अगर उसका 1 meter cube लेंगे, 1 meter cube, तो ये जो डब्बा बनेगा ना 1 meter cube का, 1 meter by 1 meter by 1 meter, इसका मास कितना होगा? इसका मास होगा 1400 किलोग्राम्स। ये मतलब है इसका। एयर की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ एयर, आज हमने निकालना, एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट टू फाइंड डेंसिटी ऑफ एयर। ये मुश्किल एक्सपेरिमेंट है, हम ATP भी साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। एयर की डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ एयर अप्रॉक्सीमेटली 1.3 grams per centimeter cube। बेटे ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, एवरेज वैल्यू यही है 1.3 grams per centimeter cube। कोई बता सकता है इसका क्या मतलब है? What does it mean? बोलो। इसका 1.3, मैंने गलत लिख दिया, 1.3 ग्राम्स नहीं, सॉरी, इसकी यूनिट है केजी पर मीटर की, आई एम सॉरी, इसकी ये यूनिट है, अब सही है। हाँ जी, इसका क्या मतलब है कि अगर आप एयर, इतने वॉल्यूम की एयर लेंगे, इतने वॉल्यूम के एक डब्बा लेंगे 1 meter by 1 meter by 1 meter, उसके अंदर जो एयर होगी ना, एयर, उसका मास कितना होगा? 1.3 kilograms। हमें तो एयर का मास मालूम ही नहीं होता ना, लेकिन एयर का भी मास होता है, एयर मैटर है, हर वो चीज विच हैज मास ऑक्यूपाई सम स्पेस इज मैटर, एयर भी मैटर है। तो बेटा अगर मैं इस तरह का कंटेनर लूंगा जिसका वॉल्यूम कितना है 1 meter cube, इसमें जो एयर आएगी ना, इस डब्बे के अंदर जो एयर आएगी, उस एयर का मास कितना होगा? 1.3 kilograms। 1 meter cube वॉल्यूम का इतना मास होगा, इसका यह मतलब होता है। और अब आप बता सकते हैं मुझे, पानी की डेंसिटी होती है 1000 kg per meter cube। एज ए फिजिक्स स्टूडेंट आपको एयर की डेंसिटी और पानी की डेंसिटी का पता होना चाहिए। कभी पूछता नहीं है, लेकिन पता हो तो बेहतर है। इसका मतलब बता दो मुझे, कौन बताएगा? पानी की डेंसिटी इतनी है, आप बताएंगे बेटा? व्हाट डज इट मीन? कितना पानी, उसका एग्जैक्ट नंबर बताओ ना, कितना पानी होगा? 1 meter cube। कितना पानी होगा? 1 meter cube। कि अगर 1 meter cube का कंटेनर लेंगे, ऐसा डब्बा लेंगे जिसकी ये भी 1 meter, ये भी 1 meter, ये भी 1 meter है, तो उसके अंदर जो पानी फिल होगा, उसका मास कितना होगा? 1000 kilograms। गेट इट? डेंसिटी का ये मतलब होता है। तो डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम का कितना मास है, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम का कितना मास है, ये क्या होती है? डेंसिटी। ओके, मुश्किल काम करने लगे हैं, एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ एयर करें, लिखिए। लास्ट टाइम पढ़ा था ना एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, आज हम पढ़ रहे हैं एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ एयर। बेटा ये मेजरमेंट्स वाला चैप्टर है, इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं। हम पढ़ चुके हैं लेंथ, मास, टाइम, और हम पढ़ रहे हैं डेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो परेशान ना हो, ऑल लेक्चर्स आर अवेलेबल, आप घर पे बैठ के YouTube पे देख सकते हैं इन्हीं क्लासेस के लेक्चर्स को। हाँ जी, एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट डेंसिटी
ऑफ एयर जब आपका एक्सपेरिमेंट आता होगा तो आप एटीपी में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आपके पेपर ट्यूब में भी एक्सपेरिमेंट आते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट लिखना सबसे मुश्किल काम होता है। फिजिक्स आती है, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते मेरा बेटा। ओके, अब मुझे एयर की डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज डेंसिटी का फॉर्मूला? मैस ओवर वॉल्यूम, सबको पता है मेरा बेटा, जिनको नहीं पता याद कर लें आप लोग। डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, आई वॉन्ट टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ एयर, तो मुझे एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर का मैस बताओ, इस फॉर्मूले में डालूंगा तो डेंसिटी आ जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है, एयर का वॉल्यूम कैसे आएगा और एयर का मैस कैसे आएगा? किसी को आइडिया है? हाउ कैन यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर एंड हाउ कैन यू फाइंड द मैस ऑफ एयर? जी प्लीज। ओके गुड, आपको पता ना एयर गैस है ना, एयर गैस है ना, गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो एयर का वॉल्यूम है। पता है आपको इस कमरे में कितने वॉल्यूम की एयर है? जितना कमरे का वॉल्यूम है। इस ग्लास के अंदर हाउ मच वॉल्यूम ऑफ एयर? आप कहेंगे द वॉल्यूम ऑफ ग्लास। इस फ्लास्क के अंदर कितनी एयर है? जितना इसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क। तो जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है ना वही एयर का वॉल्यूम होता है। गैसेस का फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, आपको पता है ना, सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम फिक्स शेप, लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती लिक्विड की। जो कंटेनर की शेप है वही लिक्विड की शेप हो जाती है, ग्लास पे डालो तो लिक्विड की शेप ग्लास की हो जाती है, लोटे में डालो तो लोटे की शेप हो जाती है ना। ओके, तो लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, गैसेस की ना शेप होती है ना वॉल्यूम होता है। तो अब मैस वॉल्यूम तो आ जाएगा, आप जो कंटेनर यूज करेंगे ना तो जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कंटेनर यूज करता हूँ, आई एम यूजिंग दिस कंटेनर, तो अब इसका वॉल्यूम कैसे आएगा मेरे पास? हाउ कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस? लिखा हुआ तो नहीं है इसके ऊपर, खाली फ्लास्क है। मुझे पता है जितना इसका अपना वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम की एयर है। हाउ कैन यू फाइंड इट्स वॉल्यूम? मैं इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ मेजरमेंट के बगैर? कुछ मेरे पास इसके ऊपर लिखा नहीं हुआ कितने वॉल्यूम का कंटेनर है, इट्स नॉट लेबल्ड, इट्स नॉट कैलिब्रेटेड। कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं उसका वॉल्यूम? कोई बताए आसान सा तरीका है? ये हुई बात, तुम तो जीनियस लड़की हुई। क्या करें, कह रही है इसको पूरा पानी से भर लें, फिर क्या करें, मेजरिंग सिलेंडर में खाली कर लें। आसान बात है ना, तो क्या करें, सबसे पहले अभी लिखते नहीं है, मैं आपको समझा दूं फिर लिखिएगा। सबसे पहले मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, क्यों? बिकॉज जो इसका वॉल्यूम है वो एयर का वॉल्यूम है। तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरा पानी से भर लूंगा, टैप के नीचे रखूंगा, टैप खोल दूंगा, पूरा ऊपर तक भर लूंगा, भर लिया। फिर इसको एम्प्टी करूंगा, किसके अंदर? क्या होता है ये, जबरदस्त मेरी बेटी, इस पे खाली कर लूंगा। तो मैंने किया इसको इस पे पहले इसको भरा, फिर इसको यहां पे एम्प्टी कर दिया, वो यहां तक पानी आ गया। अच्छा, इस पे लिखा होता है ना मेजरिंग सिलेंडर पे, पता है ना वॉल्यूम लिखा होता है, यू नो वैल्यूज आर रिटन। जो भी यहां पे रीडिंग होगी वो रिकॉर्ड कर लूंगा। फॉर एग्जांपल यहां पे रीडिंग आ रही है 500 मिलीलीटर्स या 500 सीएम क्यूब, एक ही बात है पानी का ना, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सीएम क्यूब पानी का होता है। तो बेटा सबसे पहले मैं क्या करूंगा, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग विल आई डू? I will completely fill it with water and empty this flask in a measuring cylinder and measure the volume of water. It is equal to the volume of flask. It is equal to the volume of air. Get it? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? Air का volume find out. क्यों करेंगे find? Density निकालनी है बेटा, mass over volume. तो volume तो आ गया, मसला ही कोई नहीं है। अभी मसला है। अब इसके अंदर कितनी air है? उसका mass चाहिए। याद है अपने पानी का डेंसिटी कैसे निकाली थी, पानी का मैस कैसे निकाला था? हमें बैलेंस चाहिए, वी नीड अ बैलेंस। वो जो दुकानों में नहीं होता मैस मेजर करने के लिए, कंप्रेशन बैलेंस, बैलेंस। हमने पानी कैसे निकाला था कि पहले खाली कंटेनर का मैस लिया था, याद है आपको, खाली कंटेनर का मैस लिया था, फिर इसको पानी से भर के मैस ले लिया था, फिर
फिल्ड कंटेनर में से एम्प्टी कंटेनर का मास माइनस कर दिया था तो पानी का मास आ गया था, तो एयर का मास भी ऐसे निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, इस फ्लास्क के अंदर एयर है, इसको यहां पे रखेंगे, तो किसका मास आ जाएगा, फ्लास्क प्लस एयर दोनों का मास आ जाएगा। अब क्या करूं, एयर कैसे निकालूं इसके अंदर से, तोड़ लें इसके अंदर एयर कैसे निकालेंगे, वैक्यूम पंप, कैसे निकालेंगे, वैक्यूम करेंगे, वैक्यूम, वैक्यूम पंप वो होता है ना, वैक्यूम कारपेट साफ करने की उसी तरह की चीज होती है, वैक्यूम एयर इसके अंदर से निकाल देगा। अच्छा, अब जब भी वैक्यूम पंप लगाना होता है ना, इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी चाहिए होती है। लिसन, डोंट यू वरी, मैं आपको लिखवा दूंगा, पहले मैं कुछ समझा दूं। जी, सीक्वेंस लेके आते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करना है, आई हैव टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ एयर। ये कैसे आएगी, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अच्छा, मैंने क्या किया, एक फ्लास्क ली। अच्छा, ये फ्लास्क होती है ना जो हम यूज करते हैं, इसमें इसको सील्ड कर देते हैं, इसके ऊपर वो लगा देते हैं, कॉर्क लगा देते हैं, रबर कॉर्क जो होता है इसको बंद करने के लिए। इसमें एक होल होता है, यहाँ से एक पाइप पास करते हैं, ये सील्ड होता है प्रॉपर, और यहाँ पे क्या लगा होता है, टैप लगा होता है ये बंद करने के लिए, मतलब खोलेंगे तो ये लूज हो जाएगा, वॉल्व जैसे होता है ना, वॉल्व ये लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस कंटेनर के पानी से भर लूँगा पूरा, और इसको मेजरिंग सिलेंडर में एम्प्टी करूँगा। फर्स्ट स्टेप क्या करूँगा, फिल द फ्लास्क विद वाटर एंड एम्प्टी द फ्लास्क इन द मेजरिंग सिलेंडर। तो जितना भी पानी होएगा, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा वो वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क होगा, वो वॉल्यूम ऑफ एयर होगा। ये बात तो क्लियर हो गई आपको। अगला स्टेप क्या करेंगे, ओके अजान हो रही है तो इतनी देर में मैं लिखता हूँ, आप कॉपी कर लें जब तक अजान होती है। अजान हो रही है, बोल नहीं रहा।
ओके बेटा जज़ाकअल्लाह। नाउ लिसन टू मी प्लीज़। सबसे पहला स्टेप क्या है, फिल द फ्लास्क कम्प्लीटली विद वाटर, अंडरस्टैंड। फिर क्या करें, एम्प्टी द फ्लास्क और पोर ऑल द वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर एंड क्या करेंगे, एंड नोट डाउन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, एंड नोट डाउन द वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ये वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क है और वो वॉल्यूम ऑफ एयर के इक्वल है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क विच इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एयर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्लेस द फ्लास्क ऑन द बैलेंस एंड फाइंड आउट द मैस, मेजर एंड रिकॉर्ड द मैस m1। अब ये जो मैस आया नहीं, किस चीज का मैस है, मैस ऑफ फ्लास्क प्लस मैस ऑफ एयर, ये दोनों का कंबाइंड मैस है। ये जो मैस m1 है ना, लिख लें आप, दिस मैस m1 इज, नोट कर लें, नोट क्या है जी, दिस लिखिए प्लीज, दिस मैस m1 इज द मैस ऑफ फ्लास्क प्लस एयर। दिस मैस m1 इज द मैस ऑफ फ्लास्क प्लस एयर, ये दोनों का कंबाइंड मैस आया। अगला स्टेप क्या है, अटैच द वैक्यूम पंप विद द फ्लास्क एंड रिमूव द एयर, अटैच द वैक्यूम, अटैच द वैक्यूम पंप with flask and remove the air. A level 2 में ना इसके कुछ steps हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे attach करते हैं vacuum pump, ये vacuum pump लगा रहा हूं, ये समझिए vacuum pump है, VP vacuum pump। वैक्यूम पंप लगाऊंगा, सुनो प्लीज, आपको जरूरत नहीं है, वैसे आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। पहले हम यहाँ के वैक्यूम पंप अटैच करते हैं, इसको ऑन करते हैं, इस वॉल्व को, ये जो वॉल्व है ना, फिर इसको लूज करते हैं, लूज करते हैं, पहले टाइट होता है, ये लूज करते हैं तो ये एयर निकल जाती है। जब ये 2-3-4 मिनट तक चलता रहता है, फिर इसको टाइट कर देते हैं वॉल्व को। क्यों, जब तुम ये उतारोगे, अगर ये वॉल्व खुला होगा तो जितनी एयर बाहर गई वापस आ जाएगी। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, A2 में बताता हूं मैं डिटेल जाके। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वी कनेक्ट द वैक्यूम पंप, वी टर्न इट ऑन, वी लूज द वॉल्व, अनडू द वॉल्व, खोलते हैं इसको, देन आफ्टर 2-3 मिनट वी टाइट द वॉल्व, वी क्लोज द वॉल्व, इसको क्लोज कर देते हैं, देन वी रिमूव द वैक्यूम पंप। अदरवाइज जो आपने एयर निकाली है वो वापस तशरीफ ले आएगी। तो मैं क्या कर रहे हैं, इसको क्लोज करने, ये स्टेप्स मैं नहीं बता रहा आपको, इतनी आपके सिलेबस के बियॉन्ड है, ए लेवल 2 में चाहिए होता है। अटैच द वैक्यूम पंप, वैक्यूम इतना दूर की लिख दी, विद द फ्लास्क एंड रिमूव द एयर। अब एयर रिमूव कर दी, अब ये विदाउट एयर है, विदाउट, अच्छा ये वाइफ ऑफ नहीं लिखा हुआ, विदाउट एयर, विदाउट एयर, ये विदाउट एयर है। अब विदाउट एयर का मास ले लेंगे, अटैच द वैक्यूम पंप विद द फ्लास्क, रिमूव द एयर, तो फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, फाइंड द मैस ऑफ फ्लास्क अगेन, फाइंड द मैस ऑफ फ्लास्क अगेन। ये क्या चीज है, m2। अब मैंने दोबारा फ्लास्क का मैस ले लिया, मतलब ये खाली फ्लास्क का मैस आ गया, अप्रोक्सीमेटली, आई एम यूजिंग अप्रोक्सीमेटली हियर, मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। तो व्हाट इज मैस ऑफ एयर रिमूव्ड, हाउ कैन यू फाइंड द मैस ऑफ एयर रिमूव्ड, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसको किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कौन सी बड़ी वैल्यू होगी, m1 में से m2 को माइनस, m2 छोटा मैस होगा ना भाई, m1 में क्या था, फ्लास्क प्लस एयर दोनों शामिल थे, और m2 में क्या, एयर निकाल दी है तुम लोगों ने, एयर निकाल दी है, तो क्या करेंगे, फाइंड द मैस ऑफ फ्लास्क अगेन m2, क्या करेंगे, द मैस ऑफ एयर इज मैस ऑफ एयर रिमूव्ड, किसके इक्वल है, m1 माइनस m2 आ गया जनाब, मैस ऑफ एयर रिमूव्ड आ गया। अब क्या करेंगे, मैस ऑफ एयर रिमूव्ड भी है, वॉल्यूम भी है, फॉर्मूला यूज करेंगे, डेंसिटी आ जाएगी, इट विल नॉट बी एक्यूरेट, एक मिस्टेक की है हमने, कुछ एक गलती है जो हम सोच नहीं रहे, बताइए किसी को पता है, देयर इज सम, ये आप लिखोगे ना,
10 मार्क्स का ना 8 मार्क्स आ जाएंगे तुम लोगों के, यू गेट 8 मार्क्स, 10 नहीं आएंगे। एक और चीज है छोटी सी, थोड़ा सा और बताओ। अच्छा मास्क है ना, पता भी नहीं चल रहा था कौन बोल रहे है। जी मेरा बेटा, वन मोर थिंग, ये ऑब्वियसली हाई लेवल की बात है। अच्छा ये समझ में आया जितना मैंने आपको बताया। क्या करेंगे जी आप, सबसे पहले खाली फ्लास्क लेंगे, उसको पानी से भर लेंगे, पानी को मेजरिंग सिलेंडर में खाली करेंगे, जितना फ्लास्क का वॉल्यूम है वो वाटर का वॉल्यूम है, वो एयर के वॉल्यूम के इक्वल है। एयर का वॉल्यूम आ गया, टोटल एयर का वॉल्यूम आ गया। फिर क्या करेंगे, इस पूरी फ्लास्क का पंप नहीं लगाएंगे, इसका मास लेंगे, फिर इसके अंदर से एयर रिमूव करके फिर मास लेंगे। ये पंप ना लगाओ वरना मास गलत आ जाएगा, पाइप उतार के मास लेंगे, एयर निकाल देंगे, दोबारा मास लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, M2 आ जाएगा, तो M1 माइनस M2 आपके पास आ जाएगा, मास ऑफ एयर रिमूव्ड। मास ऑफ एयर रिमूव्ड भी है, उसका वॉल्यूम भी है, फार्मूला में डालेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन पता क्या गलती की है हमने, आज तक कोई ऐसा वैक्यूम पंप पैदा नहीं हुआ जो तमाम एयर रिमूव कर देगा, इतना स्ट्रांग वैक्यूम पंप नहीं होता। ये ज्यादा डिटेल की बात है, आपका ये जो लिखा है ना ए स्टार अभी भी आ जाएगा इतना लिखने पे भी, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं। प्रॉब्लम क्या है, आज तक इतना स्ट्रांग वैक्यूम पंप नहीं है जो सारी एयर निकाल देगा, तो उसमें सारी एयर तो निकली नहीं। ओके हाँ, जो एयर निकली है उसका मास है हमारे पास। बेटा जरा मेरी बात गौर से सुनो, जो एयर रिमूव हुई है उसका मास है, लेकिन जो एयर रिमूव हुई है उसका वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि जितना कंटेनर का वॉल्यूम है सारी की सारी एयर बाहर तशरीफ नहीं लेके गई। अब क्या करूं, कितनी एयर बाहर लगी है पता क्या करूं, अब मैं इसी फ्लास्क को उठाऊंगा, पानी के टब में डाल दूंगा, इसी फ्लास्क को क्या करूंगा, इसके मुंह को उल्टा करके, ये चीज कहां पे डाल दूंगा, यूं करके समझे, ये पानी का कंटेनर है, आपको समझ आ जाएगी मैं जो बताने लगा हूं। फ्लास्क बनेगी उल्टी जरा मुश्किल से, मेरे से पानी में डाल दी, यहां पे वो लगा हुआ है, इसको वाटर में इमर्स कर दिया। अब क्या करूं, ये वॉल्व को ओपन करूंगा, इस वॉल्व को क्या करूंगा, तो ये पानी को क्या करेगी, सक करेगी, पानी को पुल करेगी, जितना पानी पुल करेगी, सारा नहीं पुल करेगी, ये जब आप वॉल्व खोलेंगे ना तो उसके अंदर वैक्यूम, नियरली वैक्यूम है, बिल्कुल वैक्यूम तो नहीं है, इसके अंदर एयर कम है। अब आप वॉल्व खोलेंगे तो इसके अंदर चूंकि जैसे आप स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक ले रहे होते हैं, आपको पता है ना स्ट्रॉ में आप लो प्रेशर क्रिएट करते हैं, व्हेन यू पुल द एयर इनसाइड यू, यू आर क्रिएटिंग लो प्रेशर, द फ्लूइड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो हो क्या रहा है, इसके अंदर क्या है, लो प्रेशर, इसके अंदर क्या है, और पानी यहां भी क्या है, हाई प्रेशर। जब आप लूज करेंगे तो पानी इसमें फ्लो करेगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ में राइज करती है, पानी इसमें जाता जाएगा, यहां तक गया बस। अब क्या करूं, जहां तक पानी गया दोबारा इसको क्लोज कर दूं, इसको निकालो, पानी सिर्फ यहां तक है, इतने वॉल्यूम की एयर रिमूव हुई है जितना पानी आया है, सारा एयर रिमूव नहीं हुई, जितना पानी इसमें कलेक्ट हुआ है इतने वॉल्यूम की एयर रिमूव हुई है। तो अब मैं क्या करूं, ये जो पानी है ना इसका मेजरिंग सिलेंडर में डालूं, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब ये जितना पानी है इतनी एयर रिमूव हुई है और उसका ये मास है, अब जो फॉर्मूले में डालोगे तो एक्यूरेट आंसर आएगा। अब ये स्टेप नहीं भी करते तो फुल मार्क्स, 8 मार्क्स आ जाएंगे 10 में से, ए स्टार आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ये एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, क्योंकि इतना स्ट्रांग वैक्यूम पंप नहीं होता जो ऑल एयर को पंप आउट कर देगा, तो फिर वो स्टेप करने की तो जरूरत ही नहीं, वो पहले वाला जो किया था हमने कि पूरा पानी से भरें और उसका वॉल्यूम ले लें, क्योंकि असल में सारी एयर तो रिमूव नहीं होगी। लेकिन हर बच्चे को तो ये स्टेप नहीं आता ना बेटा, ये समझ में नहीं आया होगा कई बच्चों को, तो हम वही लिखेंगे जो पहले लिख रहे थे, तो इंप्रूवमेंट में डाल सकते हैं, इंप्रूवमेंट में। अगर आप पूछे ना व्हाट इज द फर्दर इंप्रूवमेंट इन दिस एक्सपेरिमेंट, आपने सब कुछ कर लिया, मास भी आ गया, वॉल्यूम भी जो पहले आपने लिया था वो सही सपोज किया, फार्मूले में डाला, डेंसिटी आ गई। अब एग्जामिनर कहते हैं एनी इंप्रूवमेंट, तो इंप्रूवमेंट में लिखें कि देयर इज द वैक्यूम पंप इज नॉट परफेक्ट, इट विल नॉट पुल ऑल द एयर आउट। तो फिर क्या करेंगे, हम इसको टब के अंदर वॉल्व खोलेंगे, जितनी एयर इसके अंदर से रिमूव हुई है ये उतना पानी पुल करेगा, जितनी एयर इसके अंदर से निकली है ये उतना पानी पुल करेगा, मैस भी उसी पानी का जो रिमूव हुई है। फिर इस पानी का हम क्या ले लेंगे, वॉल्यूम ले लेंगे मेजरिंग सिलेंडर में, और वो वॉल्यूम यूज करेंगे तो एक्यूरेट आंसर आएगा। इज इट क्लियर टू यू, तो आपने कहां तक लिखा है, ये भी पॉइंट लिखा आपने, उसके बाद लिखिए, इस पॉइंट के बाद लिखिए, मैं आपको लिखवा रहा हूं, उसके बाद लिखिए, इस पॉइंट के बाद लिखिए, वी विल यूज द रिलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम टू फाइंड द डेंसिटी, विल यूज द रिलेशन इस पॉइंट के बाद बेटा, सेवंथ पॉइंट के बाद,
वी विल यूज द रिलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम टू फाइंड द डेंसिटी. अब नीचे लिखिए इसकी लिमिटेशन क्या है. नीचे लिखिए लिमिटेशन. लिखिए अब हम इसको इंप्रूव करें. लिमिटेशन ऑफ द अबव एक्सपेरिमेंट. इसकी लिमिटेशन क्या है. लिखिए वैक्यूम पंप कैन नॉट रिमूव ऑल द एयर. वैक्यूम पंप कैन नॉट रिमूव ऑल द एयर. बेटा आप ऊपर तक भी लिख देंगे तो ओके है, गलत नहीं है, ये आपके लेवल में ये काफी है, लेकिन हम और अच्छे तरीके से करना चाह रहे हैं इसलिए बता रहा हूं. इसकी लिमिटेशन क्या है. वैक्यूम पंप इज अनएबल टू रिमूव ऑल द एयर. सो अब लिखिए इसकी, नीचे लिखिए इंप्रूवमेंट. हेडिंग लिखिए, सब हेडिंग छोटी सी इंप्रूवमेंट. लिखिए वी विल इमर्स द फ्लास्क इन अ वॉटर टब. वी विल इमर्स द फ्लास्क इन द वॉटर टब. वी विल इमर्स द फ्लास्क इन द वॉटर टब एंड ओपन द वॉल्व. ये वॉल्व है जो ऊपर लगा हुआ है, ये वॉल्व. वी विल इमर्स द फ्लास्क इन द वॉटर टब एंड ओपन द वॉल्व. Some water will flow into the flask. Some water will flow into the flask. When flow stops, we close the valve. When flow stops, we close the valve and remove the flask from water. अब ये नोट क्या है, what is this thing? ये जो पानी आया ना इसके अंदर, volume of water flown in is equal to volume of air removed. क्या है? Volume of water inside the flask is the correct volume of air removed. Volume of water inside the flask, अब जो volume आया है, it is a correct volume. पहले correct नहीं था, पहले volume ज्यादा ले रहे थे, actual से ज्यादा, आप पूरी flask का volume ले रहे थे. आप ये assume कर रहे थे कि vacuum pump ने सारी air निकाल दी है. Vacuum pump ने सारी air नहीं निकाली, कुछ निकाली है, इतनी निकाली है जितना पानी उसके अंदर आया है. वॉल्यूम ऑफ वॉटर इन साइड द फ्लास्क इज द करेक्ट वॉल्यूम ऑफ एयर रिमूव्ड. नाउ दिस वॉल्यूम कैन बी फाउंड, दिस वॉल्यूम ऑफ वॉटर कैन बी फाउंड बाय एम्प्टिंग द फ्लास्क इन द मेजरिंग सिलेंडर. बस देखिए, दिस वॉल्यूम ऑफ वॉटर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर. दिस वॉल्यूम ऑफ वॉटर, नेक्स्ट पॉइंट, volume of water inside the flask is the correct volume of air, correct volume of air removed. This volume can be found by using measuring cylinder. अब इस पानी को खाली कर दें measuring cylinder में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, volume of air removed और mass of air removed तो पहले ही आपके पास है, volume of air removed भी आ गया. अब ये formula use करें तो correct density आ जाएगी. Now we'll use the relation density is equal to mass or volume to find the density accurately. Now we'll use the relation density is equal to mass or volume to find the density accurately. जी बेटा, बेटा देखो, असल में एयर का वो वॉल्यूम होता है जो कंटेनर का वॉल्यूम है. इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर तो वही है जो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम है, ठीक है. फिर आपने क्या किया, पहले तो आपने टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया. अभी ना भी करते तो स्टेप हो जाता. तो फिर आपने क्या किया, इसका मास फाइंड आउट किया, पहले वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया, फिर इसका मास फाइंड आउट किया, फिर वैक्यूम पंप लगा के दोबारा मास लिया, फिर M1 में से M2 को माइनस किया, तो आपके पास क्या आ गया, मास ऑफ एयर रिमूव्ड. अब मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ एयर रिमूव्ड चाहिए ना, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम नहीं चाहिए,
टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इससे नहीं निकलेगा, आई नीड द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमूव्ड फ्रॉम द फ्लास्क व्हेन यू यूज द वैक्यूम पंप। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमूव्ड कैसे आएगा, वो जो आपने वैक्यूम पंप लगाया हुआ है, वॉल्व टाइट किया हुआ है, इसी फ्लास्क को पानी के अंदर डालें, इसको वॉल्व खोले तो पानी को पुल करेगी, जितना पानी पुल करेगी ये उतना ही पानी पुल करेगी जितनी एयर रिमूव हुई है, ज़्यादा नहीं पुल करेगी, ये उतना ही वॉल्यूम पानी को फ्लो होगा इसके अंदर, उतना ही पानी आएगा जितना एयर रिमूव हुई है इसके अंदर से। तो फिर इस वॉल्यूम ऑफ वाटर को फाइंड आउट करेंगे मेजरिंग सिलेंडर पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमूव भी आ जाएगा, वो इस पानी के वॉल्यूम के इक्वल होगा। कितने वॉल्यूम की एयर रिमूव हुई है, जितना पानी इसमें ऐड हुआ है, जितना पानी इसकी जगह पे एयर की जगह पे पानी आ गया है ना, एयर की स्पेस पानी ने ले ली है ना, तो जितनी जगह पे पानी आ गया है बेटा वो एयर वॉल्यूम ऑफ एयर रिमूव्ड है, मास ऑफ एयर रिमूव भी है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमूव भी है, अब आपके पास एक्यूरेट डेंसिटी आ जाएगी। बस ये सिंपल सी बात है, इसको बहुत कंफ्यूजिंग नहीं करते। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो जो पहले लिखा वो काफ़ी था, वो जो ऊपर लिमिटेशन से पहले लिखा हुआ है ना इस इनफ, तो मुझे स्टेप सुनने हैं किसी से, किसी नए बच्चे से सुनने हैं, आपसे सुनने हैं। जी मेरा बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है जी, पहले फ्लास्क को पानी से पूरा भर लेंगे, मैं तो देखो आई, फिर क्या करेंगे, फिर उसको मेजरिंग सिलेंडर में एम्प्टी कर देंगे, उसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। फिर मास फाइंड आउट करेंगे, उसको वैक्यूम पंप से अटैच करेंगे, एयर को रिमूव करेंगे, दोबारा मास ले लेंगे, तो मास ऑफ एयर रिमूव्ड आ जाएगा, वॉल्यूम भी है, मास भी है, डेंसिटी आ जाएगी। यहां तक बात क्लियर है? जी बेटा आगे आप बताइए, लिमिटेशन बताइए प्लीज, व्हाट इज लिमिटेशन, वो वैक्यूम पंप सारी एयर को नहीं निकालेगा, इतना परफेक्ट वैक्यूम पंप नहीं है, गुड। फिर क्या करें उसके लिए, हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी एयर निकली है, वाटर में इमर्स करेंगे, जबरदस्त, बहुत अच्छा बता रही हैं आप, वॉल्व को ओपन करेंगे, टैप ओपन करेंगे, तो जितनी एयर निकली है उतना पानी उसके अंदर घुस जाएगा, फिर को टाइट कर देंगे, टाइट क्यों करेंगे, ये ना वो बाहर निकाले तो पानी दोबारा इसके अंदर गिर जाए, इधर ही टाइट करना है इसको, इसको बाहर निकाल देंगे, तो ये आधी पानी से भरी हुई है, बट ये जो पानी ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है ये रिमूव्ड एयर का वॉल्यूम है, ये रिमूव्ड एयर का एक्यूरेट वॉल्यूम है। अब क्या करेंगे, अब इसको मेजरिंग सिलेंडर में खाली कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ एयर रिमूव तो पहले ही है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमूव भी आ जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे पुत्र, डेंसिटी आ जाएगी एक्यूरेटली, ठीक है। तो ये A2 में अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको A2 में फुल मार्क्स मिल जाएंगे, तो वो लेवल में तो लिमिटेशन से पहले लिखेंगे तो भी मिल जाएंगे आपको नंबर, इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए होती। बेटा ये हमने पढ़ ली इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज, अब हम पढ़ रहे हैं कन्वर्जन्स, हेडिंग लिखिए कन्वर्जन्स, कभी कभी हमने बहुत छोटी क्वांटिटी मेजर करनी होती है, कभी कभी बहुत बड़ी क्वांटिटी मेजर करनी होती है, और एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्जन्स मेन हेडिंग कन्वर्जन्स है, आपको पता है हम यूज करते हैं प्रीफिक्सेस, कन्वर्जन्स में हम पढ़ रहे हैं प्रीफिक्सेस, पहले इसकी बात करते हैं, मेजरमेंट्स में कन्वर्जन्स, कन्वर्जन में प्रीफिक्सेस। बेटा मीटर के साथ कभी किलो लगा देते हैं, कभी सेंटी लगा देते हैं, कभी मिली लगा देते हैं, तो ये जो किलो सेंटी मिली है इनको बोलते हैं प्रीफिक्सेस, आपको इनकी वैल्यूज आनी चाहिए, इनकी नोटेशन आनी चाहिए। तो सबसे बड़ी प्रीफिक्स जो आपके सिलेबस में है वो टेरा, आप जिस होगा टेराबाइट की हार्ड डिस्क, कितने टीबी की हार्ड डिस्क है आपकी, होता है ना पूछते हैं बच्चे एक दूसरे से, तो सबसे बड़ी प्रीफिक्स क्या है, टेरा, इसका डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल टी से, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 पावर 9, वो गीगा की होती है, गीगा के जीजा, गीगा की होती है, इसकी होती है 10 पावर 12। उसके बाद होते हैं गीगा, आपने सुना होगा नाम, एक तो गीगा मॉल है ना, नहीं वो नहीं, गीगा हर्ट्स, गीगा बाइट्स, कितने जीबी, गीगा की वैल्यू कितनी, गीगा का सिंबल क्या बेटा, कैपिटल जी, क्या वैल्यू होती है, 10 पावर 9, लिखो लिखो। इसके बाद होती है मेगा, मेगा का तो पता ही होगा, कैपिटल एम, मेगा मीन मिलियन, मेगा मीन मिलियन, 10 पावर 6, जबरदस्त बेटा। अच्छा इसके बाद होती है किलो, किलो तो सबको पता है, स्मॉल के, किलो के लिए कितनी होती है, 10 पावर 3 1000, जबरदस्त मेरा बेटा, ये आपको याद करनी है, इस पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दो और थी वो हम भी लिख रहे हैं, डेका
एंड हेक्टो, हेक्टो 100 को बोलते हैं, डेका 10 को बोलते हैं। फिजिक्स में यूज नहीं होता, हम नहीं बात लिख रहे, नहीं लिख रहे, बस नहीं चाहिए। अब छोटी प्रीफिक्स, छोटी डेसी, डबल सी होता है सिंह, मुझे नहीं याद, इसकी वैल्यू होती है 10^-1 या 1/10 डेसी। सेंटी, सेंटी की वैल्यू कितनी होती है? -2, जबरदस्त -2। मिली, स्मॉल m, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10^-3। प्लीज लिखें, प्लीज लिखिए, आपको ये तमाम वैल्यूज आनी चाहिए। इस पर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको याद करना है, मेमोराइज करना है इसको। मिली के बाद होता है माइक्रो, माइक्रो का सिंबल m नहीं है क्योंकि m मिली के लिए यूज करते हैं। माइक्रो का सिंबल क्या है? u को ना यूं बड़ा कर देते हैं, इसको बोलते हैं म्यू, म्यू पढ़ते हैं, म्यू, एम ई यू, म्यू, म्यू, ये म्यू है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10^-6। इसके बाद आता है नैनो, नानो नहीं, नैनो, स्मॉल एन, 10^-9। और एक रह गया, और क्या होता है? पीको, स्मॉल पी, 10^-12। बेटा आपको याद करनी है वैल्यूज। प्रीफिक्सेस, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, ये बड़ी प्रीफिक्सेस हैं। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, ये छोटी प्रीफिक्सेस। अच्छा भाई, कॉपीड, प्लीज जल्दी लिख लें। डन बेटा, डन, गुड, कर दूं इरेज। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई, स्मॉल टू बिग डिवाइड, पढ़ते आ रहे हैं, सबको पता है। लेकिन बात जगह पे ये यूज करने की जरूरत नहीं है, बिग टू स्मॉल, स्मॉल टू बिग, कहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर मैं कहूँ कि कन्वर्ट मिली सेकेंड इंटू सेकेंड, कन्वर्ट मेगा मीटर्स इंटू मीटर्स, कन्वर्ट सेंटीमीटर्स इंटू मीटर्स। देखो मैं इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे करूँ, सुनो, कन्वर्ट फॉर एग्जाम्पल किलोमीटर्स इंटू मीटर्स, बहुत आसान है, माइक्रो सेकेंड्स इंटू सेकेंड्स, नैनो, नैनोमीटर्स इंटू मीटर्स, गीगा हर्ट्ज इंटू हर्ट्ज। देखो इस किस्म की कन्वर्जन्स में आपको वो सीन करने की जरूरत नहीं है बिग टू स्मॉल है कि स्मॉल टू बिग है। देखो इस किस्म की, प्लीज पे अटेंशन, लिसन टू मी प्लीज, किलोमीटर को मीटर बनाना है, आपने क्या करना है? किलो को एलिमिनेट करना है, दफा दूर करना है। किसी चीज को एलिमिनेट कैसे करते हैं? बाय सब्स्टिट्यूटिंग इस वैल्यू। किलोमीटर की मीटर कैसे बन जाएगा? बस किलो की जगह 1000 लिख देंगे आप। माइक्रो सेकेंड, सेकेंड कैसे बन जाएगा? माइक्रो को एलिमिनेट कर दें, माइक्रो की वैल्यू डाल दें। मैं एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल आपके याद है 80 किलोमीटर इंटू मीटर्स। अब मैं वो नहीं कर रहा कि बिग टू स्मॉल है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, नो नो नो, मैं नहीं कर रहा। मुझे पता है यहां पे किलोमीटर है, यहां पे खाली मीटर है, मैंने किलो को एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? 80 अपनी जगह पे रहा, किलो की जगह पे क्या लिख दिया? ये बन गया सॉल्व्ड। ओके, मैंने कन्वर्ट करना है 40 माइक्रो सेकेंड्स इंटू सेकेंड्स, तो मैं क्या करूंगा? ये नहीं देखूंगा स्मॉल टू बिग है तो डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, नो नो, कुछ नहीं देखूंगा। यहां पे माइक्रो है, यहां पे माइक्रो नहीं है, तो क्या करेंगे? आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ माइक्रो। तो क्या बन जाएगा? 40 माइक्रो सेकेंड्स इज इक्वल टू 40 अपनी जगह पे रहा, माइक्रो को खत्म करना है ना, माइक्रो क्या होता है? तो कन्वर्जन्स में इसी तरीके से, फॉर एग्जाम्पल आपने कन्वर्ट करना है, पहले मैं लिखवा दूं आपको कुछ, आप लिखे तो सही ना, हेडिंग देखिए कन्वर्जन्स, उसके बाद प्रीफिक्सेस, उसके बाद पहले लिखिए एलिमिनेटिंग अ प्रीफिक्स, पहली किस्म की कन्वर्जन्स जो होती है ना, लिखिए एलिमिनेटिंग अ प्रीफिक्स, एलिमिनेटिंग, ई एल आई एम आई, एलिमिनेटिंग अ प्रीफिक्स। इस किस्म की जो कन्वर्जन्स होती हैं, तो लिखिए टू एलिमिनेट अ प्रीफिक्स वी सब्स्टिट्यूट इट्स वैल्यू, टू एलिमिनेट अ प्रीफिक्स वी सब्स्टिट्यूट इट्स वैल्यू। अब लिखिए फॉर एग्जाम्पल टू एलिमिनेट अ प्रीफिक्स वी सब्स्टिट्यूट इट्स वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल
पहले एग्जांपल ये लिख दें, ये 80 किलोमीटर इंटू मीटर, ये फर्स्ट एग्जांपल। ये सेकंड एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कन्वर्ट 80 किलोमीटर इंटू मीटर। तो क्या करना है आपने, आपने किलो को खत्म करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ किलो हियर, सिंपल। यहां पे माइक्रो सेकंड है, यहां पे खाली सेकंड है, माइक्रो को खत्म करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ माइक्रो हियर। और यहां लिखता हूं फॉर एग्जांपल, आप यहां तक कन्वर्ट फोर नैनोमीटर्स इंटू मीटर्स। जी बच्चों क्या करना है आपने, नैनो को खत्म करना है ना, यहां पे नैनोमीटर है, यहां पे खाली मीटर है, यू डोंट नीड नैनो हियर, यहां पे नैनो नहीं चाहिए हमें। तो क्या करें, उसकी वैल्यू डाल दें, क्या बन जाएगा बेटा, 4 नैनोमीटर किसके इक्वल हो गया, एन से नैनो, एन से 9, याद रखिए एन फॉर 9। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर, डन, हो गया मसला। मुश्किल पूछता हूं, 80 मिलीमीटर पर माइक्रो सेकेंड इंटू मीटर पर सेकेंड। कहेंगे सर किधर फंसा दिया, आसान है, बिल्कुल आसान है, 80 मिलीमीटर पर माइक्रो सेकेंड इंटू मीटर पर सेकेंड। देखिए जरा इसको, यहां भी हमने एलिमिनेट करना है प्रीफिक्स को, बड़ा करके लिखता हूं, नजर नहीं आ रहा, 80 मिलीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यू पर माइक्रोसेकंड, ऐसे लिखाओ या ऐसे लिखाओ एक ही बात है, स्लैश करके लिखाओ या माइनस लिखाओ एक ही बात है, इनटू किस पे कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। ओके, ये मुश्किल है लेकिन आप एक दफा बताऊंगा तो समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो उसको ऐसे लिख लें, इसको ऐसे लिख लें, 80 मिलीमीटर और ये वाली चीज को बार के बाद लिख दें, माइक्रोसेकंड कुछ नहीं है तो साथ, इसका मतलब वन होता है, जब कुछ नहीं है तो वन है, बेसिकली ये चीज ये है, सही है बेटा। माइनस का क्या मतलब होता है, बार, माइनस का मतलब होता है बार, नीचे आ गया। ये चीज ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, कहां गया ये ऐसे, इसे किस में कन्वर्ट करना है आपने, मीटर पर सेकंड में। तो आप समझे, ये आपकी छत बन गई, छत से ऊपर अलग क्वेश्चन बन गया, छत से नीचे अलग क्वेश्चन बन गया, दोनों में आपने प्रीफिक्स को एलिमिनेट करना है। तो क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, 80 मिलीमीटर है ना, यहां पे खाली मीटर चाहिए ना, तो 80 अपनी जगह पे रहा, मीटर अपनी जगह पे रहा, क्या खत्म करना है मैंने, तो मिली की वैल्यू डाल दो, क्या होती है मिली की वैल्यू, 10 पावर माइनस 3। न्यूमरेटर सॉल्व्ड, अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, यहां पर क्या है, 1 माइक्रो सेकेंड, और मुझे खाली सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो सेकेंड अपनी जगह पे रहा, 1 यहां भी लिख दे, ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है। माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, माइनस 6, 10 पावर माइनस 6, जबरदस्त, ये हो गया सॉल्व। आगे सिंप्लीफाई करना तो आता है हमें, सिंप्लीफाई करना आता है ना, ये 10 की पावर माइनस 3 है, ये 10 की पावर माइनस 6 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, जब बेसिस सेम होती है तो पावर जब क्रॉस होती है, डिवाइड होती है, तो ये पावर प्लस हो जाएगी ना, ये आपके पास क्या बन जाएगा, 80 इंटू 10 पावर माइनस 3, तो अपनी जगह पे रहा, प्लस 6। सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 80 इंटू 10 पावर 3, 80,000 बन जाएगा। सिंप्लीफाई करें, वो कैलकुलेटर कर देगा, कोई मसला नहीं। और पूछता हूँ, जान नहीं छोड़ा, आखिरी जी हो गया, मुझे पता है, सबर करो ना। अच्छा बेटा, एक एक छोटा सा और करा दूं, 100 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, 100 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्ट पर मीटर में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं यूनिट कन्वर्जन सिखा रहा हूँ आपको, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। 80 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर को आपने कन्वर्ट करना है वोल्ट पर मीटर में। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, इसको वैसे लिखें जैसे लिखा था, ऐसे लिखें, ट्राई करें, कर सकते हैं आप, आई नो यू कैन डू इट, माशाल्लाह इतने लाइक बच्चे बैठे हो, हरी आप। हंड्रेड मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्ट पर मीटर में, तो मैंने लिख दिया 100 मिली वोल्ट, ऊपर ये बार डाल दी, इसके नीचे क्या लिख दिया, 1 सेंटीमीटर, इसको वैसे लिख दिया,
और इसको कैसे लिखा, बार डाल दी, ऊपर वी लिख दिया, नीचे एम लिख दिया। इसमें कोई मसला है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है ऐसे लिखने में? नहीं है ना मसला। अब क्या करना है, यहां पे मिली वोल्ट है, यहां पे खाली वोल्ट है, मिली को खत्म कर रहे हैं, क्या करें, मिली की वैल्यू डाल दें, ये हुई बात। तो 100 अपनी जगह पे रहा, मिली की जगह पे क्या लिख दिया, 10^-3, ये प्यारा सा 3 लिखा है मैंने, दोबारा लिखता, और 1 अपनी जगह पे रहा, मीटर अपनी जगह पे रहा, सेंटी की जगह पे क्या लिख देंगे, -2। तो सबसे सिंपल कन्वर्जेंस क्या होती है, एलिमिनेटिंग अ प्रीफिक्स। आपके पास प्रीफिक्स है, आपने इसको खत्म करना है, उसकी वैल्यू डाल दें, कुछ ना सोचें बिग टू स्मॉल है कि स्मॉल टू बिग है। हम बिग टू स्मॉल को पता क्या करेंगे, हमने कैसे याद किया हुआ था, मुझे याद ही नहीं रहता था, बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई करेंगे किस करेंगे, तो मैंने याद किया था, बाजी तेरी सास मोटी, बी बाजी हो सकती है ना, सास मोटी हो सकती है कि नहीं हो सकती, हो सकती, बाजी तेरी सास मोटी, तो बिग टू स्मॉल मोटी एम फॉर मल्टीप्लाई, बाकी आपको याद आएगा, बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई, स्मॉल टू बिग, ये हम कल बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू स्टूडेंट्स।